अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम कराची एयरपोर्ट पर हैं और आज हमारे जो REW एशियन चैम्पियन जो कि टाइटल डिफेंड करके आए हैं नेपाली रेसलर से, नेपाली ब्रो के अगेंस्ट, मिस्टर शेर खान, प्लीज वेलकम। और उसके साथ साथ आज हमारे और चैम्पियंस भी खड़े हैं जो कि पहले भी इंडियन रेसलर्स को, नेपाली रेसलर्स को बीट कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि खुशी के मौके पर शेर खान से ज़रूर कुछ ना कुछ बात की जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर काफ़ी बार अपने मुल्क का परचम रेस किया है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम नेपाल में जाके मैंने अपने मुल्क का परचम रेस करके ये साबित किया है कि पाकिस्तान की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स किसी भी हिसाब से पीछे नहीं है, हमेशा आगे ही रही है। और मैंने पाकिस्तान का फ्लैग रेस करके ये साबित किया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, है, हमेशा रहेगा। और नेपाल की आवाम को ये भी दिखाया है कि पाकिस्तान के फ्लैग के साथ मैंने नेपाल का फ्लैग इस वजह से रेस किया क्योंकि रेसलिंग का एक मैसेज सिर्फ फाइट करना नहीं है, रेसलिंग का मैसेज सिर्फ ये है कि हम यहाँ एक मोहब्बत का पैगाम देने जाते हैं वहाँ के लोगों को, ताकि हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। और पाकिस्तान का एक ही मैसेज है, पाकिस्तान का मैसेज ये है कि रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग अब जो नेपाल के बाद USA जा रही है, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, तुर्की है, उसमें जाके हमारी फाइट्स हैं। मैं एशियन चैम्पियनशिप जो कि मैंने नेपाली ब्रो को हरा के नेपाल की सरजमीन पे 2 टाइम एशियन चैम्पियन बनाऊं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरी वालदेन की, मेरे फैंस की, दोस्तों की दुआएं।